नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स माइंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो हमारा IPS कलर का प्री एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं अर्थमेटिक के। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं अर्थमेटिक के। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेटिवली उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार के अंदर पूछे जाते हैं, तो उसी टाइप के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, लगभग 10 के अराउंड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा, आपको एग्जाम में जरूर से उनसे हेल्प मिला। क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 16 ईयर। इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूडेड एंड द एवरेज रिड्यूसेज बाई 1 ईयर, वाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर। यानी कि यहाँ पे देखो, अर्थमेटिक में स्टार्ट करें क्वेश्चन, उससे पहले एक बात और बताता हूँ, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम क्या आती है, अर्थमेटिक हार्ड थोड़ी है, अर्थमेटिक टाइम टेकिंग हो जाती है क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का देखो एक सिंपल सा तरीका है, पहले मैं डिस्कस करूँगा फिर आपको अच्छे से उसको ओपनली करके भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे 24 स्टूडेंट है, एवरेज का मतलब क्या होता है, मैंने 5 लोगों की इनकम का एवरेज निकाला 5,000 रुपये, तो एक तरीके से वो एवरेज का मतलब क्या दिखाना चाह रहा है, एवरेज का मतलब वो ये दिखाना चाह रहा है कि सब 5 लोगों की सबकी तनख्वाह 5,000 रुपये एवरेज के हिसाब से, कि भाई हर एक की कितनी है 5,000 है, यही तो दिखाना चाह रहा है वो कि भाई एवरेज का मतलब क्या है। एक आइडिया ले लिया कि 5 इंप्लॉई कहीं पर काम करते हैं किसी कंपनी में, सबकी एवरेज चली 5,000 रुपये है, यानी कि लगभग एक इंप्लॉय की सैलरी कितनी है 5,000 रुपये है, किसी की कम होगी थोड़ी सी, किसी की ज़्यादा होगी, ठीक है, तो 5,000 का एवरेज का मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, और उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 16 साल है, यानी कि हर एक की एज क्या हो गई, 16 साल हो गई। अब उसने क्वेश्चन ने बोला कि क्लास टीचर की एज एक्सक्लूडेड है, यानी क्लास टीचर की एज को हटा दो और उसके बाद में एवरेज निकालो, तो एवरेज एक से रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्लास टीचर को हटाओ, क्लास टीचर को हटाओगे तो पहले एवरेज कितना था, 16, तो अपनी 16 तो ले ही गया साथ के अंदर, वे 16 तो सबकी है, 16 16, तो वे 24 स्टूडेंट और एक टीचर की 16 16 तो सबकी है, तो 16 तो वो अपनी लेके गया साथ में, साथ में एवरेज एक कम हो गया, ठीक है, कम होने का मतलब क्या है, वो साथ में इनकी भी एक एक एज ले गया, जो 24 स्टूडेंट थे ना उनकी भी एक एक साल की एज ले गया, क्योंकि एक एवरेज उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो 16 प्लस 24 आपका आंसर आ जाएगा 40 ईयर, सीधा एक लाइन के अंदर। अब ये टाइम टेकिंग नहीं हुआ, अब टाइम टेकिंग कौन सा तरीका होता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप क्या करते हो, ठीक है, 24 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 24 स्टूडेंट का मतलब सारे स्टूडेंटों को मिला के एज मैंने मान ली S, टीचर की एज मान ली मैंने T, और इनका एवरेज निकाल लिया टोटल मिला के 25, क्यों, 24 तो स्टूडेंट हो गए और टीचर की एज एक टीचर हो गया, 25 से डिवाइड करने पे एवरेज निकल जाएगा कितना, एवरेज ये 16 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे S प्लस T की वैल्यू निकाल लो आप लोग, 25 का 150 0 15 25 और 15 जोड़ दो फिर 40, तो ये एक आ गया 400, ठीक है। उसके बाद में आप निकालोगे कि टीचर को हटा दिया, ठीक है, तो उसके बाद में एवरेज निकाला तो कितना आया, एवरेज एक कम हो गया, यानी कि कितना साल आया, 15 साल आया, यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट, यानी कितने स्टूडेंट, 24 स्टूडेंटों का एवरेज कितना आया, 15 आया, ठीक है, तो एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 15 गुणा 24, 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 36, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ से एस की जो है 360 वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी मैंने, 360 प्लस टी इज इक्वल टू 400, तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी, 360 को उधर ले जाओ 40 आ जाएगी। अब इतना बड़ा तरीका अगर एग्जाम में लगाओगे तो वहाँ पे तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को अगर आप कॉन्सेप्ट को अंदर तक समझते हो तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली सोचो कि भाई एवरेज का मतलब ये होता है कि हर एक की एज इतनी है, ठीक है, तो हर एक की एज टीचर और स्टूडेंट को मिला के उस टाइम पर कितनी थी, 16 थी। अब टीचर को हटा दिया तो टीचर कम से कम 16 एज तो ले गया, उसके बाद बोल रहा है कि वो एवरेज में एक कम कर गया, एवरेज एक कम कर गया यानी कुछ ना कुछ वो उसमें से निकाल के ले गया, तभी तो पीछे एवरेज कम हो गया, टोटल मिला के एवरेज कम हो गया, तो वो एक एवरेज ले गया, और एक एवरेज का मतलब कितने लोग हैं टोटल मिला के, 24 है, तो 24 हो जाएगा, उसके अंदर जोड़ दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 40। तो देखो अगर थोड़ी सी देसी भाषा में और समझे, 16 तो अपनी ले गया और एक साल कम हो गया, तो वो 24 स्टूडेंट थे ना, एक एक साल उनमें से भी ले गया, तो 16 प्लस 24 40 साल हो गई उसकी एज, ठीक है। चलो ये एग्जाम वाला तरीका होता है कि बस एक लाइन के अंदर आंसर निकाल दिया हम लोगों ने, वहाँ पे आप लोग इसे बड़े बड़े तरीके नहीं लगा सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन,
धीरज परचेस्ड 150 केजी ऑफ राइस, ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट रेट 10% लॉस, 10% लॉस पे 1/3 बेच देगा। एट व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग राइस सो दैट ही कैन मेक 10% प्रॉफिट ऑन होल। देखो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं अर्थमेटिक के, चाहे टॉपिक कोई सा हो, वो मिक्सचर और एलिगेशन से निकल जाते हैं। जब भी दो चीज़ों को मिला रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस को ही क्यों ना मिला रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2800 रुपये किलो की चीनी 2500 रुपये किलो की चीनी के साथ मिलेगी तब भी एलिगेशन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट लॉस के अंदर भी एलिगेशन लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धीरज परचेज्ड 150 केजी ऑफ राइस, ठीक है, 150 केजी राइस उसने खरीदे, उसको बात छोड़ दो, 1/3 इट एट 10% लॉस, यानी कि 1/3 उसने किसने बेचा, कितने बेचा, 10% लॉस पे बेच दिया, तो 10% लॉस पे बेचा कुछ तो उसने, ठीक है। अब 10% लॉस पे बेच दिया, अब आगे चलो, एट व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग राइस, बाकी बचे हुए राइस कितने प्रॉफिट में बचेगा हमें नहीं पता फिलहाल अभी, ठीक है, सो देट ही रिमेनिंग राइस सो देट ही कैन मेक 10% प्रॉफिट ओवरऑल, मिक्स करने के बाद में भाई 1/3 हिस्सा तो 10% लॉस पे, लॉस का मतलब माइनस लगा दिया मैंने, प्रॉफिट में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, ठीक है। अब देखो लॉस पे तो इतना बेच दिया, प्रॉफिट पे कितना बेचेगा हमें नहीं पता, दोनों को मिक्स करने के बाद में, तो एलिगेशन के अंदर बीच में आता है, मिक्स करने के बाद में कितना बिक गया यहाँ पे, 10% का प्रॉफिट बिकेगा, तो ये प्लस 10%। अब नीचे एक रेशियो आता है मिक्सचर एलिगेशन में, जिसने नहीं देखा है तो एक मिक्सचर एलिगेशन का मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो डाल रखा है, ऑनलाइन कोचिंग जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो सब कुछ पता ही है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पर भी मैंने डाल रहा है, ढूंढ लेना उस वीडियो को मिक्सचर एलिगेशन, वहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं है। बाकी आ रहा होगा कि भाई कुछ हिस्सा माइनस 10% लॉस के ऊपर बेचा, कुछ हिस्सा कितने में बेचा हमें नहीं पता है, ओवरऑल मिला के मिक्स करने के बाद में कितना प्रॉफिट बन रहा है, 10%, तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दिया। अब नीचे एक रेशियो आता है, वो रेशियो क्या, इसने बोला कि 1/3 बेच दिया, मान लो टोटल 3 किलो था एक तरीके से, ठीक है, तो एक हिस्सा उसमें 10% लॉस पे बेच दिया, बचा हुआ 2% हिस्सा ही तो प्रॉफिट लॉस में जो होगा उसमें बेचेगा, वही तो बोला गया, ठीक है, ये लो हटा दो। अगर आप इसके अंदर एक कैलकुलेशन और कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, सर 150 केजी है टोटल, ठीक है, 150 केजी में 1/3 इसने 10% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 1/3 निकाल दो, ठीक है, 1/3 आप निकालोगे तो ये कितना जगह 50 किलो आ जाएगा। आप बोलोगे सर 50 किलो तो यहाँ बेच दिया और बचा हुआ 100 किलो इतने प्रॉफिट में बेच दिया, रेशियो कुल मिला के फिर से कितना आएगा, 1:2 आएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन में उलझने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कैलकुलेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को पता है 1/3 का मतलब मैंने बताया, जब भी आपको ऐसे रेशियो दिया हो तो नीचे वाला नंबर पूरा होता है, यानी कि इनिशियल होता है, बेस वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है, तो टोटल मान लो 3 किलो राइस थे, तो 1/3 का मतलब 1 तो 10% लॉस पे बेच दिया उसने, बोला है बचा हुआ जो 3 में से 1 हटा दो यहां बिक गया, बचा हुआ 2 कहां बिकेगा, इतने प्रॉफिट पे बिकेगा। अब आ जाओ हटा दो इसको। अब होता क्या है बेसिकली मिक्सचर एलिगेशन में, ये रेशियो आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, 1:2। अब मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, इधर से इधर का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, 10 - 10 कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। अब यहाँ रेशियो कितना है, 2, ये 2 ना होके कितना है, 20% है, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 10% से मल्टीप्लाई करूँ, तो इधर भी ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10% से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। यहाँ देखो डिफरेंस क्या था, 10 - 10 20 था, तो यहाँ देखो डिफरेंस 10 लाने के लिए यहाँ क्या होना पड़ेगा, 20 होना पड़ेगा, तो यहाँ 10 - 10 इसमें से माइनस किया था, यहाँ 20 - 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू से मिक्सचर एलिगेशन में एक वैल्यू हमेशा छोटी आती है, एक वैल्यू हमेशा बड़ी आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, 20 हो जाएगा, समझ गए, तो यहाँ पे 20% के ऊपर बेचेगा, समझ गए आप लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। देखो इतनी अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है ना, तो इतना सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी कैलकुलेटर मतलब कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा 20% आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन जिसको सही मेथोडोलॉजी नहीं पता है ना, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को नहीं पता है तो अभी भी इन्हीं क्वेश्चन को समझ जाओगे, तो कुछ क्वेश्चन की हेल्प तो इन्हीं से हो जाएगी आप लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द अपोजिट पेयर ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाई 40%, ठीक है, एंड 30%, 40% और 30% से एक साइड बढ़ा दी स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की कैसे दोनों साइड बढ़ा दोगे आप लोग, ठीक है, तो
अच्छा स्क्वायर था पहले, मतलब कोई भी इसकी मतलब लेंथ थी, सारी लेंथ बराबर थी, उसके अंदर एक में 40% बढ़ा दिया, एक में 30% बढ़ा दिया, द एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल। अब क्या हुआ, पहले के एक स्क्वायर था, इसके अंदर मान लो ये भी 100 थी ये भी 100 थी, अब एक साइड को बढ़ा के 140 कर दिया, 40% बढ़ा दी, एक साइड को 30% बढ़ा दिया, 130 कर दिया, तो अब एरिया के अंदर परसेंटेज चेंज निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसको ऐसे कभी भी मत करना, ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब मान लो पहले एक भुजा कितनी थी, 100 थी, अब वो कितनी हो गई, 140 हो गई, तो रेशियो क्या आ गया दोनों के अंदर, 100:140। दूसरी क्या थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 130 हो गई। इसको काट दो, देखो 5:7 आ जाएगा ये, इधर 10 से 10 कट जाएगा तो 10:13 आ जाएगा। अब एरिया निकालो, ठीक है, एरिया क्या होता है, पहले कितना एरिया था, पहले एक भुजा 5 थी, एक 10 थी, तो पहले वाला एरिया 1 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। एरिया 2 कितना आ जाएगा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एरिया 2 आ जाएगा 91। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, कितना बढ़ गया, इंक्रीज ही तो पूछा है, तो 50 पे बढ़ेगा पहले वाले पे, कितना इंक्रीज हो गया, 41 का इंक्रीज हो गया, किस पे, 50 पे मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये लो 2 आ गया, 82%। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली मतलब कोई ना कोई एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन रिपीटेटिवली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ए मैन स्पेंड्स ₹500 इन बाइंग टेबल्स एंड चेयर्स, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स आर 12, तो सारी की सारी टेबल और चेयर कितनी है, 12 हैं। द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 50, एक टेबल की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। वन चेयर इज 40, दूसरी की क्या है, जो चेयर की कीमत है एक चेयर की वो कितनी है, ₹40 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स परचेज्ड, ठीक है, टेबल और चेयर के जो नंबर थे, कितनी कितनी टेबल खरीदी, कितनी चेयर खरीदी, उसके बीच में क्या निकालना है हम लोगों को, रेशियो निकाल है और ऑप्शन में से आंसर को टिक करना है। अब देखो यहां पे एक तरीका तो हो सकता है कि आप लोग उलझी हुई कैलकुलेशन करते रहो करते रहो करते रहो। अब देखो यहां पे बेसिकली किया क्या है, कुछ चेयर को खरीदा, कुछ टेबल को खरीदा और मिक्स कर दिया, उनकी जो रेट थी उनको मिक्स कर दिया और टोटल मिला के ₹500 उसने खर्च किए। कुछ खर्चा टेबल पे किया, कुछ खर्चा चेयर पे किया और दोनों को मिक्स करके कितना खर्चा हो गया, 500 हो गया। तो यहां पे भी दो चीजें मिक्स हो रही है खरीदने के अंदर, तो मिक्सर एलिगेशन लगा दो। इस तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा बेसिक तरीके से, मिक्सर एलिगेशन से जाओगे तो देखो फटाफट निकल आएगा, कैसे निकल आएगा। देखो कितने रुपए में उसने टेबल और चेयर की बात हो रही है, तो यहां टेबल मान लेते हैं और यहां चेयर मान लेते हैं, ठीक है। टेबल उसने कितने में खरीदी, ₹50 में खरीदी, चेयर उसने कितने में खरीदी, ₹40 में खरीदी, एक टेबल और एक चेयर की कीमत हो गई। अब टोटल मिला के एक चेयर मतलब और टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल मिला के उसने खर्चा किया ₹500 का, ठीक है, और टोटल कितनी टेबल और चेयर खरीदी, 12 खरीदी, ठीक है। तो अगर मिक्स करके टेबल और चेयर को मिक्स करके मैं एक चीज का एक क्वांटिटी की रेट निकालूंगा तो 500/12 आ जाएगी। भाई टेबल की रेट अलग 50 है एक की, और चेयर की रेट 40 है एक की, अगर मैं टेबल और चेयर को मिक्स कर देता हूँ तो एक की रेट कितनी आएगी, 500 टोटल खर्चा था और 12 नगद है, ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखना 4 से काट दो इसको, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 × 12, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 125/3 आ जाएगा। तो टोटल रेट कितनी आ जाएगी, 125/3 आ जाएगी। अब रेशियो निकालने के लिए इसका इससे माइनस, इसका इससे माइनस। अब यहाँ भी दिक्कत कि सर इसका इससे माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बटा में 3 है ना, तो यहाँ भी देखो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 150 हो जाएगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे भी डिवाइड 3 का हो जाएगा, इधर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और डिवाइड भी 3 से कर दो, रहा तो नंबर वही ना, 3 का डिवाइड देखो देखो 150 में 50 ही रहा, इधर 3 का डिवाइड करो 120 में 40 ही रहा, दोनों को माइनस कर दो, 150/3 125/3 में से डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 25/3 का डिफरेंस आ जाएगा। इधर देखो 120/3 और 125/3 में डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा, 5/3 का डिफरेंस आ जाएगा, 3 से 3 काट दो क्या आ जाएगा, रेशियो 1:5 आ जाएगा, ये लो इतने से में हो गया। और अगर कोई इसके अंदर रेट के अंदर उलझ जाता और वैसे चीज़ों को करता ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, ये वाला जो प्रोसेस है ना ये 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेथड्स पे ध्यान देना और इसी तरीके से जब भी आप क्वेश्चन लगाओ तो इसी तरीके से लगाने की कोशिश करना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अशोकन इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज नितिन, मतलब नितिन से 3 गुना अच्छा वर्कर है कौन, अशोका, ठीक है। इज देयर फॉर एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन नितिन, नितिन से कितने दिन, 40 दिन कम के अंदर काम खत्म कर देगा क्योंकि अशोक अच्छा वर्क मैन है, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके एक साथ कितने दिनों के अंदर करेंगे, चलो आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना वर्किंग टाइम में, एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हमेशा। मान लो दो लोगों के बीच में टाइम का रेशियो दिया गया 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो उसका जस्ट उल्टा जाएगा 2:1। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 दिया गया है, तो अगर टाइम का रेशियो निकालना होगा तो 1:2। इस तरीके से चीज़ों को समझो, ठीक है। अब ये जो 3 गुना 4 गुना जो ये वर्क मैन एज गुड एज, ये एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। मान लो टोटल काम है 120, ठीक है, और टोटल मिला के कोई बंदा उसको 40 दिन में कर सकता है। 40 दिन तो क्या हो गए, दिन हो गए, और 120 काम हो गए, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये जो 3 काम आया, ये इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ाया है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखते जाओ। अशोका इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज नितिन, ठीक है। तो अशोका और नितिन की एफिशिएंसी के अंदर मुझे क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया है। तो अशोका की जो एफिशिएंसी वो 3 गुना है नितिन से। तो अशोका की अगर 3 है तो नितिन की कितनी है? 1 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 आ गया, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एक दिन में काम करेगा किसी को, तो ये 3 दिन में करेगा उतना ही काम, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन मुझे दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया है? 40 दिन दिया गया है क्वेश्चन में। तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 40 आ जाए, ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसका मतलब ये अकेला कितने दिन में काम करेगा? 20 दिन में करेगा। ये अकेला कितने दिन में काम करेगा? 60 दिन में करेगा। यानी कि अशोका 20 दिन में काम कर देगा और ये नितिन 60 दिन में काम कर देगा। तो ये 20 दिन में और ये 60 दिन में। अब कैसे निकालते हैं हम टाइम एंड वर्क में? टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क मतलब इनका एलसीएम। भाई टोटल काम 20 दिन में कर लेगा, ये 60 दिन में कर लेगा, तो टोटल काम कितना मान लेंगे हम लोग? इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी, ये 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। ये 60 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। डिवाइड कर दिया, टोटल मिला के दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। और टोटल काम कितने हैं? 60 है। 60/4 क्या आ जाएगा? 4 × 4 = 20। 15 दिन के अंदर दोनों मिलके क्या कर देंगे? काम कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। इफ ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू ए स्कूल एट 5 km/h, ही इज लेट बाई 30 मिनट, यानी 30 मिनट लेट हो जाता है वो। हाउएवर इफ ही वॉक्स एट 6 km/h स्पीड, ही इज लेट बाई 5 मिनट ओनली, 5 मिनट लेट हो जाता है अगर वो 6 km/h की स्पीड से चलता है तो। द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस इज, यानी कि उसकी स्कूल की उसके घर से डिस्टेंस क्या होगी? देखो सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक को अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक लोग तो बेसिक से करेंगे, एक लोग सीधा इक्वेशन लिख देंगे। कैसे इक्वेशन लिखेंगे? देखो मान लो बंदा 5 की स्पीड से गया, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस थे टोटल, 5 की स्पीड से एक्स डिस्टेंस में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, 1/5 समय लग जाएगा। अब वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना समय लगेगा? 1/6 लगेगा, दूरी तो उतनी है, ठीक है। अब वो इतना जब चला, इतने ये टाइम ही तो है, ठीक है, इसमें वो 30 मिनट लेट हो गया, इसमें वो 5 मिनट लेट हो गया, तो अगर इन दोनों टाइम का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो क्या 25 मिनट नहीं आएगा? ठीक है, और घंटे में करना है तो 60 से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। क्या ये नहीं आएगा? ध्यान से समझाओ मुझे, ठीक है। अगर देखो इसमें जो टाइम लिया गया उसमें तो 30 मिनट लेट हो गया, इसमें जो टाइम लिया गया उसमें 5 मिनट लेट हो गया, ठीक है, 30 मिनट लेट हो गया, इसमें 5 मिनट लेट हो गया। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 5 मिनट आएगा, ठीक है, 30 मिनट और 5 मिनट, हाँ 25 मिनट आएगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है चीज़। अब देखो इस इक्वेशन को बनाने का और लंबा चौड़ा रास्ता भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैंने बोल दिया कि मान ली मैंने दूरी एक्स है, ठीक है, और वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 5 स्पीड से चल रहा है। नॉर्मली वो टी टाइम में पहुंच जाता है, नॉर्मली वो कितने टाइम में पहुंच जाता है? टी टाइम में पहुंच जाता है। कितने मिनट लेट हो गया? 30 मिनट लेट हो गया। उसी इक्वेशन को लिखेंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रोसीजर करके लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, बस टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम में, ठीक है। 6/6 स्पीड से चला, तो इस बार कितना लेट हो गया? 5 मिनट लेट हो गया। नॉर्मल टी टाइम में पहुंचता था, 5 मिनट में 2 हो गया। अब बोलेंगे दोनों को माइनस कर दो, तो 6/5 - 6/6 दोनों को माइनस करोगे टी से टी कट जाएगा, 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 मिनट आ जाएगा। मिनट है ये, ठीक है, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा तो ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी 60 से कर दो चाहे डायरेक्टली डिवाइड, तो 25/60 आ गया। ये इक्वेशन आ गया। हमें
अब इसी इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन हम लोग इतना बड़ा कुछ करके क्यों लिखें, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। हमें पता है 30 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट लेट हुआ, तो x बटा 5 माइनस x बटा 6 इज इक्वल टू 25/60। 60 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये मिनट था, घंटे में बदल दिया, क्योंकि ये 5 और 6 किलोमीटर पर ओवर में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ भी घंटा करना पड़ेगा, तो ये कर दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x - 5x इज इक्वल टू 25/60, ये 30 से 60 कट जाएगा 2, ठीक है। इधर ये कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। इधर देखो 6x - x, तो एक्स बराबर 12.5 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। बस आपको इतना सही करना है, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर, जितना कम हो सकता है उतना कम पेन चलाना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिर से देखना। मिक्स रिलीगेशन तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। हाउ मेनी के जी ऑफ सुगर कोस्टिंग आर एस, देखो एक बात समझना, अभी तक जो दो मैंने मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन कराया आप लोगों को, एलिगेशन से जो क्वेश्चन कराए भी ऐसे ऐसे क्रॉस करके जो क्वेश्चन कराए मैंने, वो क्वेश्चंस क्या मिक्सर एलिगेशन के थे, नहीं थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने बोला कि जब भी किन्हीं भी दो चीज़ों को मैथमेटिक्स में मिलाते ना, कोई भी चीज़ हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या मिक्स किया था, वो जो चेयर और टेबल थी उनकी प्राइस को मिक्स कर दिया था, ठीक है। जब भी कोई दो चीज़ों के मिक्स करने की फीलिंग आ रही हो ना, तो वहाँ पर मिक्सर एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ पर तो देखो कई जगह पर तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, बोलेगा 25 रुपए किलो की चीनी को 28 रुपए किलो की चीनी में मिक्स कर दिया, तो वो क्या लगेगा, मिक्स रिलीगेशन लगेगा। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे कि डायरेक्ट पता चल रहा है कि मिक्स रिलीगेशन लगेगा। हाउ मेनी केजी ऑफ सुगर कोस्टिंग 5.75 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद 75 kg ऑफ चीपर सुगर कोस्टिंग 4.50 पर केजी सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ 5.50 पर केजी। यानी कि एक की कीमत कितनी है, 5.75 रुपए, दूसरी की कीमत कितनी है, 4.50 रुपए। कितने वाली के साथ में मिक्स, अच्छा 5.75 को 4.50 के साथ में मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में क्या प्राइस निकल गया, 5.50 है ना, हाँ 5.50 रुपए आ गई, ठीक है। अब डिफरेंस निकाल लो, देखो ये कितना आ जाएगा 0.25, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये 100 हो जाएगा इधर, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। अब आप लोगों को क्या दिया गया है, ठीक है, ये वाली जो चीनी थी ना, ये कितनी थी, कितनी मिक्स की थी, 75 kg मिक्स की थी, दिया गया है। तो ये एक ना होकर कितना है, 75 है, कितने से मल्टीप्लाई, 75 से मल्टीप्लाई। ये चार भी कितने से मल्टीप्लाई, 75 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 300 kg आ जाएगा, ठीक है। तो ये 300 kg आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही तो पूछा गया था कि ये वाली चीनी कितनी मिक्स करेंगे, तो 300 kg मिक्स करेंगे, ये वाली तो 75 दी गई थी, तो उसी के यूज से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारा सोल्व हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बता देता हूं, जैसे 100 रुपए है, उसको 10% के सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैंने चढ़ा दिया कहीं पे, तो पहली साल का भी उसका ब्याज 10 रुपए, दूसरी साल का भी उसका ब्याज 10 रुपए, तीसरी साल का भी ब्याज उसका 10 रुपए, शुरू के 2 सालों का ब्याज क्या होगा उसका, 20 रुपए, 3 सालों का क्या होगा, 30 रुपए। तो 2 साल और 3 साल के बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये मान लो प्लस है, ये माइनस कर दो, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, नहीं तो आंसर 10 रुपए आ जाएगा। यानी कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 7 साल का कुछ ब्याज दिया है, फिर 8 साल का कुछ ब्याज दिया है, उसका डिफरेंस दिया, इसका मतलब 1 साल का ब्याज निकला है वो। भाई 7 साल का ब्याज हर साल का ब्याज सेम होगा, और 8 साल के ब्याज में हर साल का ब्याज सेम होगा, कुछ नंबर 7 से मल्टीप्लाई, कुछ नंबर 8 से मल्टीप्लाई, डिवाइड माइनस करोगे तो 1 साल का ब्याज आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किया कि भाई 2 साल के ब्याज और 3 साल के ब्याज में डिफरेंस निकाला 10 रुपए, तो वो 1 साल का ब्याज ही तो आया, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 equal sums, यानी कि एक जैसी राशि थी, वर बोरोड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, 8% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बोरो कर ली पर एनम फॉर 2 years and 3 years, 2 साल और 3 साल के लिए बोरो की। द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट वाज 56 रुपीज, दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस था वो कितना था, 56 रुपए था। द सम बोरोड वर, जो भी आप लोगों ने राशि उधार ली है वो कितनी है। अब इसके अंदर एक चीज समझो, 2 साल और 3 साल का डिफरेंस का मतलब 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज मतलब 8%,
एक साल का ब्याज 8% तो रेट दी गई है, 8% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 56 दी गई है, और आपको राशि पूछी है तो राशि कितनी होगी, 100% होगी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56/8, और 100% की वैल्यू के लिए 100 से क्या कर दोगे, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, 100% की वैल्यू आ जाएगी, 8 × 7 = 56, और आपका रेट क्या जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। बस इतने से के अंदर आंसर क्लियर हो जाएगा। ये कलर के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं। ए टेप कैन फिल ए टैंक इन 48 मिनट्स, एक टेप तो 48 मिनट्स के अंदर फिल करेगी इसको, ठीक है, फिल करने का मतलब प्लस यानी भर देगी इसको। उसके बाद में वेयर इज अनदर टेप कैन एम्प्टी इट इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर, ये मिनट लिया है तो नीचे भी 2 घंटे का 120 मिनट ले लो, 120 मिनट में इसको खाली कर देगी, खाली करने का मतलब -120, समझ गए, वर्क एंड टाइम की जैसे ही निकलता है सेम टू सेम, बस इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। अब दोनों की दोनों टेप को 11:40 पे खोल दिया जैसे क्वेश्चन में लिखा है, देन द टैंक विल बी फिल्ड एट, फिर टाइम पूछ लिया गया, एक तरीके से टाइम निकालना है। अब मेरे को टैंक की कैपेसिटी नहीं पता है, तो जैसे वो डिफरेंस 1/48 / 1/120 ऐसे करके तो हम निकालेंगे नहीं, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में क्या किया था, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क कैसे निकाला था, इन दोनों का एलसीएम लिया था, तो टैंक की कैपेसिटी भी इन दोनों का एलसीएम लेके ही निकलेगी। ये 48 / 120 है, इनका जब एलसीएम लोगे तो 240 आ जाएगा, 240 में 48 का भी भाग चला जाएगा, 120 का भी चला जाएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप मिनिमम नंबर लो, अगर कोई 480 लेगा तो भी हो जाएगा उसका काम, उतना ही आंसर आएगा, लेकिन 480 लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें 48 का भाग दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +5, ठीक है। अब क्या है, देखो 48 मिनट में टोटल मिला के टंकी की कैपेसिटी 240 लीटर आ गई, अब 48 मिनट के अंदर 240 की भर देता है ये पूरा ये वाला नल, ठीक है, तो एक मिनट में कितनी भर देगा, +5, यानी 5 लीटर टंकी भर देगा, कितने मिनट में, एक मिनट में। अब ये 120 मिनट के अंदर पूरी खाली कर देता है, कितनी, 240, तो एक मिनट में कितनी खाली कर देगा, 2 लीटर खाली कर देगा, भाग दे दो इसका। अब दोनों को एक साथ खोल दिया तो एक मिनट में ये तो 5 भर देगा और ये 2 खाली कर देगा, तो टोटल मिला के कितनी टंकी भरी जाएगी, +3 लीटर भरी जाएगी, ठीक है। तो दोनों को एक साथ खोल दिया तो एक मिनट के अंदर 3 लीटर टंकी भरी गई, टोटल साइज कितनी है टंकी की, 240, एक मिनट में 3 लीटर भरी गई है, तो टोटल मिला के 240 कितने भरी जाएगी, 3 लीटर का भाग दे दिया इसमें, 80 मिनट, 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। अब देख लो 11:40 पे खोली थी ना नल को, 11:40 पे खोल दिया, तो 20 मिनट इसमें जोड़ोगे तो 12 बज जाएंगे, फिर 1 घंटा और क्या, 1 बज जाएगा, ये एएम था तो क्या बज जाएगा, पीएम, 1:00 PM, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 10 km/h इन स्टील वाटर, ठीक है, इट ट्रेवल 91 km डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा के अंदर, उसी दिशा में उसको पानी सपोर्ट करेगा चलने के अंदर, इन ए रिवर देन रिटर्न, फिर वापस आती है तो अप स्ट्रीम में आती है, यानी कि उसको जो वाटर है वो क्या करेगा, अपोज करेगा, टेकिंग एल टुगेदर 20 आवर्स, यानी आने जाने में टाइम लग गया 20 घंटे, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के रेट ऑफ फ्लो निकालनी है। अब मान लेते हैं रिवर की रेट ऑफ फ्लो है आर, बोट की जो स्पीड है स्टील वाटर के अंदर वो कितनी है, 10 किलोमीटर है ना, 10 km/h है। अब मान लेते हैं कि 91 किलोमीटर चली गई वो जाते टाइम, तो टाइम कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, समय का मतलब अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करोगे, दूरी कितनी, 91 किलोमीटर। अब जब डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो पानी की दिशा में जा रही है तो पानी उसको सपोर्ट करेगा चलने में, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, रिवर की स्पीड मान लो आर है और बोट की स्पीड 10 है, जुड़ गई, ये तो टाइम लग गया जाने जाने में, अब आने का टाइम निकालो, आते टाइम किसके, रिवर के अपोजिट चल रही थी, ठीक है, तो 10 - R हो जाएगा, क्योंकि देखो रिवर उसका अपोजिट करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो माइनस ही तो करते हैं हम लोग, 10 - R हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, टोटल मिला के 20 घंटे आप लोगों को दे रखा है। अब बोलोगे सर इसको सोल्व अगर करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा मामला। तो जब भी ऐसी इक्वेशन फंस जाए आपको बोट इंडस्ट्री में, ऑप्शन से जाओ, कहाँ से जाओ, ऑप्शन से जाओ, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो बोट इंडस्ट्री में सिंपल होते हैं, मैंने कराए भी हैं, यूट्यूब पर भी कराए हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन से ही करना है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो आप लोग उलझ जाओगे कैलकुलेशन में और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखा मैंने 3 किलोमीटर, ठीक है, तो आर की जगह मैं क्या रख दूंगा, 3 रख के देखूंगा, मेरे दिमाग में ही रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं बस आप लोगों को रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 13 हो गया, 13 के 91 में 13 का भाग दो कितना आ जाएगा,
सात 13 संत 91 होता है, ठीक है। इधर क्या बचेगा, ये सात बचेगा, सात का 91 में भाग दो, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 13 और 7 और 3 20 आ गया, तो मैच कर गया ना, देखो 20 आ गया, तो पहला तीन वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे कर गया, मान लो ए नहीं करेगा तो बी को कर लेंगे, मान लो यहाँ पे 20 नहीं आता, 25 आ जाता, तो हम लोग दूसरी वैल्यू को ट्राई करते, फिर तीसरी वैल्यू को ट्राई करते, फिर चौथी वैल्यू को ट्राई करते, उससे हो जाता। इक्वेशन बनाने से अच्छा है वैल्यूज को ट्राई कर लो, ठीक है, तो वहां से आप लोगों का काम हो जाएगा। तो देखो ये ओवरऑल मिला के आप लोगों के 10 क्वेश्चंस थे यहाँ पे अर्थमेटिक के, मैंने पूरे पूरे अच्छे से आप लोगों को कराने की कोशिश की, और आपको एक आइडिया लगा होगा कि एग्जाम में कम टाइम के अंदर भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, ऐसे आराम से कैलकुलेशन अगर ईजिली सही मेथडोलॉजी आप लोगों को पता हो ना तो आराम से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेटिवली आप को एग्जाम्स के अंदर देखे जाते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इस सेशन से। दूसरा दोस्तों, एक हमारा आईबीपीएस कलर का बैच चल रहा है अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर, फुल कोर्स का आईबीपीएस कलर 2018 का फुल सिलेबस का बैच चल रहा है, वहाँ पे मैं पूरा सिलेबस करवाता हूँ। एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि आपको एक ऑफलाइन कोचिंग जैसा एक इन्वायरमेंट मिले वहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग 8955974739 पे कांटेक्ट कर सकते हो, मामूली सी फीस है, वो आप लोग दे के आप लोग पूरा पूरा कलर का सिलेबस कर सकते हो। 30% सिलेबस मैंने लगभग अपलोड कर दिया, 30 से 40% के आसपास, बाकी का सिलेबस फुल फ्लैश के अंदर पूरी स्पीड में चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कर लेना, www.bankerspoint.org, ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग पता कर सकते हैं इस बैच के बारे में, अगर आप लोग मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, ठीक है, तो ये वेबसाइट के ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे आगे आने वाले टाइम में आईपीएस कलर के लिए किस किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर जरूर से ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।